अरे डोमिनिक भैया, कैसे? 500 किलो आलू पैक कर दो। 500 किलो आलू भंडारा रखे हैं क्या आज? नहीं, बिकॉज आई गॉट फैमिली टू सर्व। लेकिन इतना ले कैसे जाएंगे? झोला लाए? हॉब्स आएगा, ही इज ऑल्सो फैमिली। ठीक है भैया, करा देते हैं। छोटू 500 किलो आलू कर दो भैया का। हाय दिस इज यश। हाय दिस इज ज्ञान। एंड वी आर फैमिली। और आज हम रिव्यू करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स का ट्रेलर। ट्रेलर कहाँ है? शॉर्ट फिल्म थी वो तो। शॉर्ट फिल्म एक आई है फास्ट एक्स नाम से, बहुत बड़ा ट्रेलर है। लगभग सारी चीजें फिर से डाली गई है, पुराने सीन्स दिखाए गए हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम लग रही थी। और क्या भाई, ऐसा नहीं लग रहा था कोई पुरानी फिल्म देख रहे हैं। तो गाइज, जैसे बॉलीवुड में सूरज बढ़ जाते हैं, फिल्में बनाते हैं एक परिवार के ऊपर, वैसे ही हॉलीवुड में फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज है जो सिर्फ फैमिली पे बेस्ड होती है। सारी परेशानियां फैमिली की होती है, बस संस्कारों की बजाय एक्शन होता है, रॉबरी होती है, बैंक लूटा जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे चढ़ते हैं, तो ये सब काम होता है। हमेशा फैमिली किसी ना किसी परेशानी में फंसी रहती है। विन डीजल की फैमिली है, इसने फिफ्थ पार्ट में किसी की फैमिली को मारा था, अब वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए, जो कि जेसन मोमोआ है, इस फैमिली को मारने आ रहा है। फास्ट एक्स इस सीरीज की 10th फिल्म है और जो कि शायद लास्ट भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि कोई मर जाएगा, क्योंकि वो कई बार ऐसी बात करते हैं कि एक बार बच्चे को बचाने की बात करते हैं, फैमिली को, फिर एक बार अपनी वाइफ को, फिर जेसन मोमोआ बोलता भी है कि बड़ी फैमिली है, यही एक नुकसान है, किसको किसको बचाओगे? हवाई भरते हो या फिर कार मॉडिफाई भी करते हो? नहीं, मॉडिफाई कर लेते, बताइए। नॉस लगा दें? नहीं, रॉकेट का इंजन लगा दो। काहे भैया, इस बार चांद पे निकल रहे हैं क्या? मार्स पे। बहुत खर्चा हो जाएगा, कैसे करेंगे? दिस इज द ओनली वे टू सेव माय फैमिली। पर भैया, आई एंड गॉट फैमिली, आई गॉट फ्रेंड। तो फिल्म के कास्ट की बात करें तो लगभग सारी पुरानी कास्ट देखने को मिलेगी, और इसमें हान भी है, शॉ भी है, हॉब्स मुझे नहीं देखे, जो उम्मीद है कि हो सकता है टाइगर भैया की तरह अंगोछा लटका के बाद में आ जाए। डोमिनिक का बेटा भी दिखा है जो उनका लग नहीं रहा है, लग रहा है रॉक का है, हो सकता है गोद ले लिया कुछ, जो भी होगा। तो लग रहा है कि शायद ये मर जाएंगे अगर, तो नेक्स्ट जो भी सीरीज स्टार्ट करेंगे इनकी बच्चों की फैमिली से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फैमिली रहेगी इस बार। लेकिन विन डीजल मुझे लग रहा है कपड़े ज्यादा पहने हैं बाकी फिल्मों से। क्यों, इस बार बनियान में नहीं दिख रहे? हाँ, इस बार सैंडो से ज्यादा मुझे लग रहा है टी शर्ट शर्ट पहने दिखते हैं वो। विन डीजल काफी कुछ इंस्पायर्ड है अपने बाबू भैया से। बाबू भैया और विन डीजल, ये दो लोग बनियान पहनते हैं। अंतर यह है कि बाबू भैया फुल बनियान पहनते हैं यहाँ तक ही बाजू की, और ये सैंडो पहनते हैं। विलेन के किरदार में इस बार लिया गया हमारे प्यारे एक्वामैन जेसन मोमोआ को, और उनकी एंट्री भी एकदम एक्वामैन स्टाइल में दिखाई गई है। थोड़ी देर के लिए आपको पूरा याद आ जाएगा एक्वामैन पूरा, और उनका लुक भी सेम ही लग रहा है। कुछ उन्होंने जैकेट पहना, सांप की केचुली वाला जैकेट लग रहा था। अच्छा, साथ में आपको इसमें कैप्टन मार्वल भी मिलेंगी। बस इसमें कमी है वंडर वुमन की, जो पिछले एक दो पार्ट में थी वो भी आ गई। तो इसमें मैं कह रहा हूँ ना, इसमें पूरा हॉलीवुड सब है, सब मार्वल, डीसी, जॉन सीना भी। जॉन सीना कैसे भूल गए? जॉन सीना भी एक्चुअली भूल इसलिए गए क्योंकि यू कांट सी मी, लेकिन वैसे नहीं करते, पूछ रहे होते व्हाट इज द प्लान। वैसे काफी टफ होता है एक फिल्म में इतने सारे कैरेक्टर्स को लेकर बनाना, ऐसा स्क्रीन प्ले लिखना जिसमें इतने सारे एक्टर्स हैं, जो अभी तक मुझे लगता है सबसे अच्छे ने किया एवेंजर्स एंड गेम। हर एक एक्टर के फैन भी देखने चले जाना, तो फिल्म का जो कलेक्शन क्रॉस कर जाएगा जो भी फिल्म का बजट है उससे। इस फिल्म का एक्शन बहुत जबरदस्त लग रहा है, जो कि हर फिल्मों में होता है, वही सेम कार के साथ सारे एक्शन से, कार, हेलीकॉप्टर, फ्लाइट, मतलब अच्छा ये सीन कितनी बार आ चुकी है कि एक फ्लाइट का वो दरवाजा खुलता है और कार ऐसे गिरती है, ये हमेशा, क्योंकि ये हर फिल्म में रहता है। जहां भी जाना होता है तो जाना गाड़ी से ही होता है, ऐसा नहीं है कि बुलेट उलट लेके नहीं जाते हैं। लेकिन एक एक्शन बड़ा अच्छा था जिसमें ऐसे जाती है बाइक, ऐसे करके पार करती, बहुत ही शानदार एक्शन, बहुत बढ़िया, वो देख के मजा आ गया था। जैसे ऑफ रोडिंग होती है तो लोग क्या करते हैं, ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियां लेके जाते हैं, पर डोमिनिक की जो फैमिली है वो ऑफ रोडिंग वाली जगह पे भी एकदम ऐसे स्पोर्ट्स कार लेके जाते हैं जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस लो होती है। और एक सीन भाई इस ट्रेलर में चुराया गया पठान से। शाहरुख भाई की फिल्म से, वो हेलीकॉप्टर वाला सीन था ना जिसमें से दो हेलीकॉप्टर बंधे होते तार से, वो चुरा लिया है। हेलीकॉप्टर ऐसे, तो कार ऐसे जा रही है, कार कुदा देते हेलीकॉप्टर आपस में लड़ जाते हैं। तो कोई ये मत बोलना आप बॉलीवुड हॉलीवुड से कॉपी करता है या साउथ से कॉपी करता है। देखो हॉलीवुड के इतनी बड़ी सीरीज वो पठान से अपनी सीन कॉपी करके बना रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर अच्छा लग रहा है, और फिल्म क्यों देखनी जानी चाहिए थिएटर में, क्योंकि फिल्म में एक्शन बहुत अच्छा होने वाला जो हमेशा होता है, तो बड़ी स्क्रीन पे बहुत मजा आएगा। कारें उड़ेंगी, यहाँ से कूदेगा कोई, वहां से कूदेगा, एक कार दूसरी कार पे कूदेगी, और एक ऐसा कुछ एक बॉल है, बड़ी बड़ी सी बॉल है जो बम छोड़ते हुए जा रही है, तोड़ते हुए जा रही है, बस को आधा काट के चली जाती है। गाड़ी रोक, सर्विस लेन पे 400 कौन चलाता है? क्या नाम है तेरा? डोमिनिक टोरिटो। ड्राइविंग लाइसेंस है? No real. आधार कार्ड है? No आधार. है क्या तेरे पास? Family. है? साले भाग गया.
और ऐसी फिल्म में बहुत सही चीज होती है, एक्शन बहुत ओवर द टॉप होता है लेकिन कोई मरते हुए नहीं दिखता कभी। स्टोरी से बहुत एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए क्योंकि ये फिल्म बनाई एक्शन के लिए जाती है, तो इसमें स्टोरी नहीं खोजनी चाहिए। तो जाओ देखो, बस क्यों नहीं खोजनी चाहिए भाई, भाई खोजनी चाहिए, किसी को पसंद हो ना खोजे स्टोरी, मजा देखो, मुझे खोज तो दृश्यम 2 देखो जाके, जा रहा हूं जाओ तुम जाओ, क्या मतलब जाओ, ये तो चला गया दृश्यम 2 देखने। अब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, फिर आएंगे प्यार दिखाना खूब ढेर सारा।